वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान जो है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा। आज बच्चों जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 को जो है लेके हम चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो है वो फ्यूचर में आप पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी आप रख सकते हैं, स्टैट में प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लिहाज से, पेपर में भी ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो डिटेल में हम इसको देखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? अ न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन, अ न्यूमेरिकल, अ न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन ऑफ अ चांस, ऑफ अ चांस डैट अ पर्टिकुलर इवेंट, डैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। बच्चों इसको हम अब समझते हैं, ये जो सारी की सारी हमने इंग्लिश लिखी है इसका मतलब क्या है। ये मतलब समझने से पहले आपको बताता चलूं कि जो प्रोबेबिलिटी है इसका कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था। तो दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें इसका कॉन्सेप्ट दिया, फ्रेंच मैथमेटिशियंस। एक था ब्लेस पास्कल था, और सेकेंड वन था पैरी डी फर्मेट। ये दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। अब डेफिनेशन को समझते हैं। अ न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन ऑफ अ चांस दैट अ पार्टिकुलर इवेंट वुड अकर। किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? अगर आजकल जैसे हमारा एक वेदर जो है वो काफ़ी एक क्लाउडी सा हुआ होता है 2-3 दिन से। अब इस क्लाउडी वेदर में आप दो चांसेस हैं, दो आपको पता है दो ही चांसेस होते हैं टोटल, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो टोटल हो गए टू, दो में से कोई एक होगा, दो में से कोई एक जो होगा वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट के होने, जैसे बारिश होगी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 out of 2, 1 out of 2 यानी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे? तरीकाकार सारा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो टर्म हमने यूज़ किया इवेंट, इसकी तरफ जाएंगे हम। इवेंट की तरफ जाने से पहले हम जो है इसकी एक दो चीज़ें देख लेंगे। जैसे सबसे पहले आपको एक छोटी सी टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपको वेल डिफाइंड आउटकम्स देते हैं। क्या देता है? वेल डिफाइंड आउटकम्स। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप डाई को रोल करते हैं, डाई को रोल, लूडो, डाई को रोल करते हैं आप लोग, तो आपके पास 6 टोटल जो है वो सैम्पल स्पेस है। ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये जो डाई को रोल कर रहे हैं ये आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने से आपके पास सैम्पल स्पेस आएगी, सैंपल स्पेस से आप लोग क्या निकालोगे? इवेंट निकालोगे। तो कोई भी इवेंट, कोई भी जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। कोई भी जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं, एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे? एन ऑपरेशन विच गिव्स वेल डिफाइंड आउटकम्स, जो हमें क्या देता है? वेल डिफाइंड आउटकम्स, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे डाई को रोल करते हैं, ये हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम टॉस करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई भी काम जो हम कर रहे होते हैं वो क्या है? एक्सपेरिमेंट, जिसकी हमने बाद में क्या फाइंड करनी होगी? प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंट के बाद वाली टर्म, एक इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, सैम्पल स्पेस। एक्सपेरिमेंट की आप एग्जाम्पल कर सकते हो कोई भी, टॉस ऑफ कॉइन। कॉइन को जो आप टॉस करते हो ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है। अब एग्जाम्पल डेफिनेशन कर लेते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होता है? इम्पोर्टेंट है बच्चों ये, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो ये हम यूज करेंगे चीजें, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। सैंपल स्पेस क्या है? अ सेट ऑफ
अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. इसको हम इट इज डिनोटेड बाय एस. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ऐसे. अब ये क्या होती है सैंपल स्पेस? इधर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सैंपल स्पेस आखिर में होती क्या है. जैसे बच्चों मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस होगी 2. यानी कॉइन को टॉस करें हम, एग्जाम्पल में अगर हमने क्या किया है बच्चों, कॉइन को टॉस किया है तो हमारे पास सैंपल स्पेस आएंगी 2. या तो आएगा हेड या आएगा टेल. तो ये आपकी क्या है? सैंपल स्पेस. ये क्या है? यानी जितने भी हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं, ये आउटकम्स हैं हेड और टेल. पॉसिबल आउटकम जितने टोटल आ सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस. तो अगर हम नंबर ऑफ एस देखें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 2 है यहाँ पे. अरे ये तो हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन हमने इसकी एग्जांपल देख ली सैंपल स्पेस. ऐसे डाई को रोल करें तो सैंपल स्पेस कितनी होगी? डाई को रोल करें तो ये फर्स्ट एग्जांपल होगी, और सेकंड डाई को रोल करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये इसकी क्या है बच्चों? सैंपल स्पेस. अब आ जाते हैं हम इवेंट की तरफ. इवेंट क्या होता है बच्चों? इवेंट को समझते हैं. इवेंट बच्चों, सैंपल स्पेस का आप कोई भी सबसेट ले लो, सैंपल स्पेस का आप कोई भी सबसेट ले लो, वो आपका क्या कहलाएगा? इवेंट. अ पर्टिकुलर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड इवेंट. वो बच्चों क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैंने टॉस किया और वो हेड आया. टॉस किया और वो क्या आया? हेड आया. अब टॉस करेंगे, जब कॉइन को टॉस करेंगे तो ये तो सैंपल स्पेस होगी. तो जो मेरे पास आएगा टॉस करने से, वो उसका क्या होगा? इवेंट, जो खास आया, खास तौर पर आया. तो इवेंट को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई. इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने टॉस किया और हेड आया. हेड क्या है हमारे पास? टोटल हमारे पास ये सैंपल स्पेस है हेड टेल. तो इसका इवेंट, एक इवेंट हो सकता है हेड और एक इवेंट हो सकता है इसका टेल. तो ये दो हमने क्या ले लिए इसके अलग अलग से इवेंट. एक दफ़ा कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास हेड आया, दूसरी दफ़ा टॉस किया तो हमारे पास क्या आया? टेल आया. तो ये इवेंट है. ये दोनों क्या है? इसके इवेंट्स हैं बच्चों. तो ये इवेंट का भी आपको क्लियर हो गया. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट. तो होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया. आपने अब क्या करना है, इसका यहाँ तो स्क्रीन शॉट ले लेना है, यहाँ इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ इवेंट की तरफ. बच्चों टाइप्स अब हमने देखनी है इसकी. पहली टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. दो इवेंट कब हम उनको जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे? लेट कर लेते हैं. लेट एस इज अ सैंपल स्पेस. एस क्या है हमारे पास? सैंपल स्पेस. फर्ज किया एस हमारे पास क्या है बच्चों? सैंपल स्पेस. लेट एंड ए एंड बी आर टू इवेंट्स. ए और बी क्या है? दो इवेंट्स हैं. ये कब ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन लें और वो क्या है? फाई. खाली सेट आए, फाई लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? एम्प्टी सेट. यानी डिसजॉइंट हो दोनों क्या हो?
डिसजॉइंट। अब इसका मतलब अभी हम देख लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या है, एम्प्टी, या दोनों को हम कह सकते हैं दोनों क्या हो, डिसजॉइंट हो। एग्जाम्पल बच्चों आप इसकी एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर फर्ज किया हमने डाई को रोल किया। मैं सिंपल डाई वाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादा आपकी बुक में एग्जाम्पल आपको इसी की मिलेंगी और आपको समझने में सबसे ज्यादा आसानी इसी में होती है। बच्चों आपने डाई को रोल किया तो आपके पास सैंपल स्पेस आती होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इवेंट नंबर 1 आपने लिया, उसको कह लेते हैं हम E1, इवेंट नंबर 1 या ए कह लो, एक हम क्योंकि जनरली ई से लिखते हैं तो ई कह लेते हैं। E1 आपने लिया, ऑड नंबर्स, डाई को रोल किया और पहला इवेंट क्या है आपके पास, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है इसमें, 1, 2, 3। और दूसरा इवेंट आया आपके पास इवन नंबर्स, कौन सा आया बच्चों, ऑड नंबर, सॉरी, 1, 3, 5। और इवन नंबर्स कौन से हो गए, 2, 4, 6। ये दो इवेंट लिए आपने, एक इवेंट लिया आपने ऑड वाला और एक इवेंट लिया आपने इवन वाला। अब बच्चों इन दोनों इवेंट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, E1 का E2 के साथ अगर मैं क्या लूँ, इंटरसेक्शन, तो आप देख सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दोनों में हो। 1 है तो 1 इसमें नहीं है, 3 है तो इसमें नहीं है, 5 है तो वो इसमें नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। टाइप नंबर 2, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स ये क्या होते हैं बच्चों, ये भी देख लेते हैं। इसमें ऐसे इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं जिनके होने के चांसेस बराबर हों, जिन्हें के होने के चांसेस क्या हों, बराबर। ए एंड बी, इसको हम सिंपल शॉर्ट में लिखेंगे, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ इफ ईच ऑफ वन हैज इक्वल नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस। ये बच्चों आपको समझ आई है क्या मतलब है इसका? अब बच्चों इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो इवेंट हैं, दोनों के होने के चांसेस बराबर हो। जैसे कि बच्चों आपने टॉस करना है, तो टॉस करने से पहले जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के, जाहिर बात है दो चीजें हैं इसमें, हेड और टेल, तो हेड और टेल के चांसेस क्या हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली जिनके अंदर इक्वल, जिनमें नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो चांसेस ऑफ अकरेंस क्या हो, इक्वल हो, दोनों के होने के चांसेस क्या हो बच्चों, इक्वल हो, उन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अब बच्चों एक प्रोबेबिलिटी की लिमिट देख लेते हैं, फिर लिमिट के लिहाज से इसकी टाइप्स देखते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से छोटी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी कि प्रोबेबिलिटी की लिमिट क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके दरमियान में कुछ भी हो सकती है। अब अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो, अगर बच्चों प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो 0 प्रोबेबिलिटी हो तो इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, उसे हम बच्चों क्या नाम देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1, तो उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, श्योर इवेंट। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, जाहिर बात है इवेंट हुआ ही नहीं, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है श्योर, कंफर्म इवेंट है। तो ये दो इसकी टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी की क्वांटिटी के लिहाज से। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स,
अब बच्चों कंप्लीमेंट्री इवेंट्स को अच्छे से देख लेना, ये भी अक्सर डेफिनेशन पूछी जाती होती है। कोई से दो इवेंट कब कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। लेट कर लेते हैं, लेट लेट ई एंड ई बार बी टू इवेंट्स। फर्ज किया कि ई और ई बार दो इवेंट्स हैं। अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें, अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो वो एम टी है, अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो वो एम टी है, यानी दोनों डिसजॉइंट हो। और अगर आप बच्चों इसका यूनियन लें, अगर आप इसका यूनियन लें तो पूरे का पूरा सेट मिल जाए आपको। तो फिर ई ई प्राइम या ई बार इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ ई, कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। तो बच्चों आपने याद रख लें कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या है। अगर आपके पास दो इवेंट हैं ई और ई बार ई का कंप्लीमेंट कब कहलाएगा, जब दोनों का हम इंटरसेक्शन लें वो खाली सेट आए, एम टी आए, और दोनों का यूनियन लें तो वो क्या है, एस आए। तो उम्मीद है आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।